7.2 वाला कोई यूनिट चल रही है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम। 10 के अंदर देखिए आप, साइन 90 थीटा दे रखा है ब्रैकेट में, फिर देखा कॉस 90 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, प्रूफ करना है, कर देंगे। अब क्या करेंगे इसमें, एलएसएस लिखोगे आप, एलएसएस लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसा कैसे लिख लेते हैं, साइन 90 थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा लिखने के बाद इसका होता है फाइनल, इसका होता है कॉस थीटा और इसका होता है साइन थीटा। तो ये अपने पास एलएसएस में सॉल्व करने पे आया। अब क्या लेना पड़ जाएगा, आरएचएस लेंगे, आरएचएस में लिख लेते हैं ऐसा कैसा, यहाँ लिखेंगे 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर कोई भी 90 वाला उपयोग नहीं करेंगे, सिंपल अपने 7.1 में जो किया था ना, साइन थीटा को हम बदल दो, काट पीट के क्या आएगा लास्ट में, ये दोनों क्वेश्चन ये काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं करेंगे क्योंकि तो यहाँ पे कोई 90 वाइंड वाला फॉर्मूला लग भी नहीं था, ठीक है। देखो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इसके बाद क्या करोगे आप, 1 का 1 लिखा रहने दो, साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद की प्रोसेस देखो आप, इसके आगे यहाँ पर इसमें देखो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, है ना, इसमें देखो आप यहाँ पे लिखोगे आप साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक है, इजिकल टू नीचे वाली प्रोसेस में देखो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कुल मिला के मेरे पास बचेगा यहाँ पर कॉस, यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये कॉस में कॉस भाग देंगे, है ना, सेम कंडीशन है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, 1 होती है तो रख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब ऊपर नीचे व्युत्क्रम करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कॉस तो ऊपर चला जाएगा, है ना, कॉस तो ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा अपना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1 होती है, अगली टर्म में लिख रहा हूं मैं, कॉस का स्क्वायर काट दिया मैंने, साइन थीटा दिखाई दे रहा है और कॉस थीटा मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है और नीचे क्या आ गया मेरा 1 आ गया, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, अगली लाइन लिख दो आप फिर भी, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दोगे, एल एच एस बराबर आर एच एस, है ना, एल एच बराबर आर एच एस इति सिद्धांत, ये लो भाई इस प्रकार होगा क्वेश्चन, फिर से देख लो, साइन 90 थीटा कॉस 90 थीटा था भाई, बराबर 10 थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्रूव करना था, ये अपने जो पूरे कोण वाले सूत्र थे उनका उपयोग कर रहे हैं हम इसमें, एल से लिख लिया साइन 90 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, 10 थीटा को कन्वर्ट किया साइन थीटा अपन कॉस थीटा में, इसको साइन थीटा अपन कॉस थीटा के स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर सेम वैल्यू चल रही है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम भाग की संख्या गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगी, कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बाकी चीज नीचे आ जाएगी, इसका मान होता है 1, इसके अंदर देखिए कॉस थीटा से इसके स्क्वायर का स्क्वायर उठ गया है, तो क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, 1 को हम लिखते नहीं है, नीचे देखे साइन थीटा कॉस थीटा, यही हमको प्रूफ करना था, क्योंकि हमें देखो एलएचएस में भी और आरएचएस में सेम वैल्यू आ गई है, एल एच बराबर आर एच एस इति सिद्धम, इस प्रकार क्वेश्चन किया, ठीक है। इसके आगे अपन क्वेश्चन करेंगे 11, उसको देखो आप, कर दूँ आप इस तरफ से, चलो मिटा दूँ,
ठीक है, तो सेम है ना, इस पर आप चीज लिख लिया। इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं, अब कितना हो गया, 10 हो गया ना, 11। 11 देखो आप, 11 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। 11 का क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा हुआ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे ब्रैकेट लगा के कॉस के नीचे इसका मल्टीप्लाई लिख रखा है, कॉस थीटा लिखा रहने दो, नीचे लगा हुआ है बट्टे में अपॉन में लिखा है 10 थीटा, लिखा रहने दो इसको। इसके बाद प्लस लगा रखा है, लगा रहने दो कॉस स्क्वायर है ना 90 माइनस थीटा है ना, और बराबर लाना है उसको एक, देखते हैं आता कि नहीं आता, चेक करते हैं। एल एच एस लिख दिया मैंने, एल एच एस में क्या प्रॉब्लम आएगी अपने, कुछ नहीं आएगी। इसकी फॉर्मेट को देखो, इस फॉर्मेट को चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ दिख जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में देखो क्या करूं, अपॉन में लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या किया मैंने, कन्वर्जन किया है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको चेंज कर दिया। इसके बाद देखो ये ऊपर जाएगा और साइन साइन कट जाएगा, अगली टर्म में देखो साइन थीटा ऊपर है कॉस थीटा ऊपर है, मल्टीप्लाई जब करेंगे कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा। ये टर्म हो गई हमारी, किसकी बात चलती है इसकी, इसको देखो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये साइन से साइन कट गया, कॉस का ये स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है, एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखने में लग रहा था जाने कितने स्टेप लग जाएंगे इसको करने में, इति सिद्धम, ठीक है साहब। इस प्रकार से होगा सवाल, देखना एडमिट के लिए और तो नहीं आया कोई, नहीं पता नहीं क्या सिस्टम ऑन हो गया। चलो सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको तो कर लोगे खुद है ना, बता भी देंगे तो भी कर लोगे इसको, इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसमें सिंपल क्वेश्चन था, कितने स्टेप लगे, 1 2 3 में तो आंसर ही आ गया, एल एच बराबर आर एच एस इसी सिद्धम, ठीक है। अब करते हैं इसके आगे की प्रोसेस, इसमें अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है 10, 10 के आगे लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा है ना, ब्रैकेट बंद, लिखा है कॉट थीटा, लिखा रहने दो, नीचे लिख रखा है उसने कोसेक थीटा का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख रखा है, लिखा रहने दो, माइनस लगा रखा है कोस स्क्वायर थीटा लिख रखा है, बराबर 0 बता रहा है। अभी कर देते हैं प्रूफ, एल एच एस लिख दिया मैंने है ना, अब एल एच एस लिख दिया तो क्या करें, क्या करें, एल एच एस लिख दिया तो इसको कन्वर्ट कर दो, क्या है इसमें लिख देंगे कॉट, लिखोगे कॉट थीटा, किसको कर लिखा मैंने कॉट थीटा, टेन को बदल दिया है ना, ये ऐसा का ऐसा, और नीचे क्या हिसाब किताब है, इसको ऐसे का ऐसा लिखाने दो, इसको मत चेंज करो बिल्कुल भी, कॉस का थीटा। इसके बाद देखो कहानी कैसे लिखें इसको, ये हो जाएगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब मैंने क्या बोला था, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा किस बदल देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दो इसको, ऊपर वाले टर्म में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म में देखो क्या लिखेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है साहब। इसके बाद देखो रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, रेसिप्रोकल क्या होता है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन ऊपर चला जाएगा,
वन नीचे जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन कॉस ये कट जाएगा, ठीक है ना, आ गया। और इसके माइनस में कौन चल रहा था, बगल बगल में कॉस स्क्वायर थीटा, इसके माइनस में कौन चल रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके माइनस में क्या चल रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में भी क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास फाइनली आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा ही माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा बेटा 0, लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, और फिर क्या लिखोगे आप, इति सिद्धम, ठीक है साहब, इस प्रकार से हो गए, ठीक है। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, टेन 90 में थीटा कॉस थीटा दे रखा अपन कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 डिग्री है, एल एच एस में क्या लिखेंगे, इसका कन्वर्जेशन क्या होता है 90 फॉर्म में, कॉट नाइन कॉट थीटा, कॉट थीटा कॉट थीटा लिख दिया, नीचे कोई भी चेंजेस नहीं किया, माइनस चल रहा था मेरे बगल में, कॉस स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दिया। फिर देखें आप, ये कॉस का स्क्वायर बन गया, नीचे कॉस स्क्वायर चल रहा था, माइनस कॉस स्क्वायर चल रहा था थीटा, है ना। इसके बाद देखो आप, है ना, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसको मैं कन्वर्ट कर दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, इसको लिख दिया वन अपॉन साइन थीटा, इसको रेसिप्रोकल किया मैंने, तो क्या हुआ इससे, इससे क्या हुआ कि ये साइन साइन कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर जाएंगे तो क्या आएगा 0, एल एच एस बराबर आर एच एस, इस प्रकार किया। इस वाली यूनिट के अंदर क्या है, वो 6 जो फॉर्मूले हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो आपको ढंग से समझ में आ गए, तो इसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है, और नंबर भी पूरे आते बच्चों के, ठीक है। लिख लिए क्या, सिंपल स्टेप है इसमें, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, देखो 13 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें लिखा है 13 नंबर में कॉस लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, फिर ब्रैकेट लगभग क्लोज हो गया, आपने लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 डिग्री है ना माइनस थीटा, और लाना क्या है इसके लिए, इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ले आते हैं, एल एच एस ले लिया मैंने, एल एच एस लेने के बाद क्या लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्या लिख दोगे आप, साइन थीटा, ठीक है ना, इसको कन्वर्टेशन देखो, इसको क्या आएगा कॉस थीटा, नीचे वाली पोर्शन देखो, 10 का क्या हो जाता है कॉट, कॉट थीटा, सारे मैंने कन्वर्जन कर दिए जितने होते थे उतने कर दिए। फिर क्या करेंगे, ये साइन थीटा क्वेश्चन ऑलरेडी है, बचा कौन कॉट, इसको किसे बदल देंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में, बाकी सबको कोई चेंजेज नहीं करेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको रेसिप्रोकल करो, तो साइन थीटा है ही, कॉस थीटा यहाँ पे पहले से मौजूद था, गुणा आएगा साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे, है ना, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, दोनों को साइन साइन को स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, एल एच बराबर आर एच एस इति सिद्धम, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है सारे।
जैसे देख लो 95 थीटा था 10 9 सारी कन्वर्शन लिख दिए, कॉस थीटा साइन थीटा होता है इसका, कॉस थीटा इसका कॉट थीटा। फिर क्या काम करा, साइन थीटा कॉस थीटा तो आ चुके, इसको कन्वर्ट किया मैंने साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, फिर बचेगा साइन थीटा से गुणा होकर क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार एल एच बराबर आ जाते। बदल नहीं तो वो डिपेंड करता है ना, अपन पूछ क्या रहा है, काटना पेटना होता तो काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टारगेट देखो क्या है। देते नहीं तो उसमें कोई दिक्कत तो ना, ये लाना है उसके, डिपेंड करता है ना आर किस कैसी है। हो गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है इसमें तो, ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है इस वाली यूनिट के अंदर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी अटेम्प्ट कर ही लेते हैं अपन, है ना, देखते हैं कुछ दमदार निकल जाए उसके अंदर से जो करने में मजा आए। इसको भी आपको देते हैं 14 नंबर, देखो थोड़ा बड़ा बड़ा देख रहा है इसलिए मैं ये करना जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, फिर लिख रहा है भाई मेरे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ब्रैकेट में करवा रहा है, फिर इसके बगल में लिख रखा है इसने कॉस थीटा, इसके बगल में भी कॉस थीटा लिख रखा, फिर अपॉन में लगवा रहा है, ये अपॉन में लिखा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर यहाँ पर काय का चिन्ह लगा रखा है प्लस का, फिर यहाँ लिख रखा है कॉस सेक, सॉरी कॉस लिखा हुआ है कॉस साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा बड़ा बड़ा से दिखाए काफी, उसके बाद नीचे लिख रखा है कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, और इजिकल टू क्या लाना है वो लिखो, वो लिखा हुआ है यहाँ सीधा सीधा साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब ये लाना हमको आर एस एस। ठीक है, अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वही ठीक बस ये लाना है, एल एच एस ले लिया मैंने, एल एच लेते ही मैंने जो कन्वर्सेशन होने चाहिए वो कंप्लीट कर दिए सारे, साइन थीटा ये बनेगा साइन थीटा, क्या बनेगा ये साइन थीटा बनेगा, ठीक है ये वाला। और ये अपना नहीं थोड़ा दिखाने के लिए कि मतलब हमने ही करा, फिर इसको इसको बदलेंगे क्या आएगा कॉसेक थीटा, है ना, सेक थीटा 90 डिग्री का होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर ये कॉस थीटा है ही मेरे पास, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और ये अपने पास साइन थीटा चल ही रहा था मेरा मार्केट में, इसके बाद देखो ये बन जाएगा सेक थीटा, बन गया, इतना पहुंच गए अपन। फिर से देखो क्या स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये रहा स्क्वायर, इसका हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा सिंगल, ठीक है, और नीचे क्या हालचाल है, नीचे को बदल लेते हैं क्योंकि ये कटना कुटना ही है ना, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस का प्लस, इसमें क्या देखेंगे हम, इसको लिखे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, इसके बाद ऊपर कारण ये देखो किस प्रकार से है, तो इसका ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है देखो अभी रुक जाओ, अभी सब सब हो जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, है ना, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, नीचे लिख के देखो कोई जरूरत नहीं, प्लस इसके बाद ये वाला प्रोसेस चल रहा है हमारा, इसके बाद देखो इधर वाला, इसमें लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बट्टे में एक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन की घात हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखो आप दोनों में से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आएगा, कॉमन निकाल लो, साइन थीटा भी निकल जाएगा कॉस थीटा भी निकल जाएगा, कॉमन आते ही बचेगा कौन, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, एक होता है, साइन थीटा
थीटा कॉस थीटा, और इसका मान कितना एक, कुल मिला के अपना क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम, आर एच एस इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाए। फिर से देख लो, इसमें कर्वेचर जो दो थे ने हमने 90 में थीटा वाले वो कर दिया आपने, 90 में थीटा वाले जो फॉर्मूला लगता था वो लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, कॉस थीटा हो गया सेक थीटा हो गया। फिर क्या किया, इसके कन्वर्जन कर दिया साइन थीटा और कॉस थीटा टर्म में, तो कॉसाइन थीटा वन अपॉन साइन होता है, ये वन अपॉन कॉस होता है, इसको ऊपर ले गए तो यहाँ स्क्वायर बन गया एक, ये पहले से स्क्वायर था है ना, साइन ऊपर हो गया। लेकिन इनमें ध्यान से देखिए आप, दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, बाहर निकालते ही अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों कॉमन लेते ही ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है सर संख्या के अनुसार एक होती है, एक का इस संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, वही हमको चाहिए आर एच एस में, एल एच बराबर आर एच एस इति सिद्धम। इस प्रकार क्वेश्चन हो, ठीक है।